भोपाल में मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज इंजीनियर संगठन ने ऊर्जा मंत्री से विद्युत उपकेंद्र और ऑपरेटरों की सुरक्षा मांगी है। दरअसल संगठन का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कटौती से लोगों में काफी गुस्सा है। बिजली कटौती से नाराज उपभोक्ता बिजली यंत्रों को नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, कर्मचारियों के साथ भी मारपीट कर रहे हैं। संगठन ने सुरक्षा नहीं मिलने पर अब चेतावनी जारी की है। पूरे देश में मध्य प्रदेश देश के साथ मध्य प्रदेश में भी बिजली की कटौती अभी भी जारी है, जो कि लगभग एक माह से अघोषित कटौती ग्रामीण अंचलों में की जा रही है, जिससे कि ग्रामीण उपभोक्ता काफ़ी आक्रोशित है और उनके द्वारा अपने वितरण केंद्र या सब स्टेशनों पर मारपीट की घटनाएं भी हो रही हैं। जैसा कि अभी पिछले दिनों महू इंदौर में एक सब स्टेशन में आग लगाई जा चुकी है और कई हमारे सहायक यंत्री एवं कनिष्ठ यंत्रियों ने थाने में और एसपी को भी पत्र लिखे हैं कि हमें सुरक्षा मुहैया